अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज और मैं और हमजा छत पर आ चुके हैं और हमारा एक छोटा सा सेटअप है। हमारी ये पहली वीडियो है इस चैनल पे जो बर्ड्स के बारे में है, और आपको आज हम शो करवाएंगे बर्ड्स का। बहुत ही प्यारे खूबसूरत बर्ड्स हैं, आप देखिएगा आपको अच्छा लगेगा। और चैनल को सब्सक्राइब साथ साथ लाजमी करें, आपके सब्सक्रिप्शन से हमारा हौसला ज़्यादा बढ़ेगा और हम अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये हमजा भाई हैं, ये हमारे साथ हैं और हमें साथ एज अ कैमरामैन भी बनेंगे और हमारा हेल्प आउट भी करेंगे काम में। और चलें चलते हैं, ये देखें जी जो है छोटा सा जो शौक है असील का है, ये वाइट हीरा है और उसके बाद ये मुश्का है, ये सात बोस की मादी है। इनको मैं बाहर इसलिए लेते रखता हूँ कि शाम के टाइम इनको धूप लगवा देता हूँ। ये सिलेटी मुर्गी है, ये छोटा सेटअप है। ये जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने बकरा रखने का प्रोग्राम इंशाल्लाह बनाया है, सर्दी के लिए इसको तैयार किया, यहाँ पर बकरा रखेंगे। ये हमारे छोटे से केज हैं, अभी सिर्फ आपको ओवरव्यू करूँगा, ओवरव्यू करने के बाद आपको साथ साथ डेली की बेस पर आपको अपडेट देता रहूँगा इंशाल्लाह। और आपका काम यही है कि आप लोग हमें हौसला दें, आपके हौसले से हम इसको अच्छे तरीके से चलाएंगे। ये छोटी सी बर्ड्स है और मुर्गियाँ हैं, ये मुर्गे हैं और ये सेटअप हमारा थोड़ा सा आप देखें बड़ा अच्छा सेटअप बनाया हुआ है, छोटा सा है लेकिन काफ़ी मेहनत की हुई है। तो साथ साथ आपको विज़िट कराते रहेंगे। अभी इनको टाइम हो चुका है शाम का, इनको दाना वगैरह डालना है, दाना भी इनको डालेंगे, फिर आपको दिखाएँगे ये दाना कैसे खाती हैं। ये हमजा ये पकड़ो आप ज़रा, मैं इनको दाना डालता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपने हमजा इधर लाओ यार, ये देखें जी मैंने इनके लिए फीड तैयार की हुई है, मिक्स दाना है और इसमें ये चेक करा इधर हमजा दिखाना, ये इसमें देखें मकई है, गंदम है, बाजरा है, दालें हैं तीन चार किस्म की, और उसके बाद इसके सूरजमक्खी के जो है बीज हैं वो भी हैं। ये इनको मैं असील को खिलाता हूँ, क्योंकि असील जो थोड़े से हैवी होते हैं तो ये ज़रा ये शौक से खाते हैं और इनका पेट सही भरता है। ये इसमें डाल दिया, ठीक है, ये मैं असील को भी डालने जा रहा हूँ। और देखना आप लोग ये मुर्गियाँ भागती कैसे हैं, अभी आप चेक कीजिएगा, वो तो है ही है। आ जाओ, अब ये भी आ जाएंगे यहाँ पर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ यार, अब इनको प्यास भी लगी होगी। एक और बर्तन में डालते हैं, इसमें डाल दे, थोड़ा सा ये मुर्गियों की फीड है ये बेसिकली, ये फीड इनको ये वाली डालते, मुर्गियाँ जो अंडे देने वाली होती हैं उनके लिए ये फीड इस्तेमाल करता हूँ। इसका बेनिफिट ये होता है कि मुर्गी जो है ना इस फीड को खा के गर्म भी रहती है और एग्स प्रोडक्शन उसकी अच्छी होती है। ये इसमें डाल दिया मैंने, अब ये देखें जी इसमें इसमें डालेंगे, खा लो खा लो खा लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा इनका पानी रह गया जो मैं अभी भूल गया हूँ, पानी डाला नहीं है, चलो तुम उधर जाओ, चलो 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 शाबाश। ये देसी मुर्गी हैं जो घर की पली, इनको मैं लादे करूँगा, चलो 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 आ जाओ, पानी भरते हैं तो मैंने भरा यहाँ से ताज़ा पानी बिल्कुल दिया, ठीक है, ताज़ा पानी है। और ये देखना पानी भी कितने शौक से पियेंगे, कुछ शाम का टाइम है। ये इनका मैंने मिट्टी के बर्तन में पानी से डाला हुआ है, मिट्टी के बर्तन का फायदा ये होता है कि आप जैसे आपको पता ही है कि मिट्टी के बर्तन में शिफा होती है, ज़्यादा सही भी लगता है, इसलिए मिट्टी का बर्तन ही पानी भी इस्तेमाल करता हूँ। एक इनको डाल दिया, दूसरा मैंने पानी इनको डाल दिया थोड़ा सा, यहाँ पर ये भी इधर ही पानी पी लेंगे, देखना जी बड़े शौक से पानी पियेंगे। ये मेरी फेवरेट मुर्गी है, देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मुर्गी है, ये चेक करें जी, और इसकी नोक देखें, आंखें देखें, बहुत ही खूबसूरत मुर्गी है माशाल्लाह। और अंडे दे रही है अभी, ये नहीं कि अंडे नहीं दे रही, अंडे भी दे रही है। चलो पानी पी लो पी लो पी लो, पानी गिरा देते हैं यार। रमजा वो ब्राउन वाली मुर्गी की तरह वो अंदर बैठी हुई है, इधर आओ,
वो देखो यार, ये तो कुड़क हो गई है। ये मुर्गी देखो बैठी हुई है, मैं अंदर जाता हूँ, जरा इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मैंने ना नकली अंडे इसके नीचे रखे हुए थे, नकली अंडे रखे हुए थे ये, और मैंने देखा शायद कुड़ुक हो जाए, एक तजर्बा हासिल किया और ट्राई किए अंडे रखने की, दो दिन से पड़े हुए हैं और आज मुर्गी कुड़ुक हो गई। अंडे इसने नहीं दिए लेकिन कुड़ुक हो चुकी है, दो अंडे हैं यार, तो बेहतरीन हो गया। अभी इसमें अंडे अंडे बच्चे निकालेंगे, डाक इसके अंडे वैसे भी पड़े हुए हैं। तो अभी ऐसा हम करेंगे, कल के दिन में हमजा, कल हम इसके ना अंडे ले आएंगे नीचे से, अंडे पड़े हुए, और फिर ऐसा करेंगे उससे फिर बच्चे निकलवा लेंगे, ठीक है। ये चूज़ा मेरा था, एक ही रह गया, इसको जो है ना बिल्ली ने पकड़ लिया था, इसकी बेचारे का पर ठीक नहीं है लेकिन ये फिर भी चलता फिरता है। चले जाने जाने जाने, इसलिए असल में पानी पीना, इसको प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई है, प्यास लगी हुई, इसने पानी पिया नहीं सुबह का। ये हमारा जो है ना वाइट मुर्गा है बॉस का, बड़ा ही प्यारा मुर्गा है, बच्चा है अभी, डरता है अभी सबसे, लेकिन फिर भी माशाल्लाह अच्छी चीज़ है यार। उसको कल अंडों पे ना बिठाना है हम तो, ठीक है, अंडों पे बिठाएंगे ताकि इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल अंडों पे बिठा के तो फिर बच्चे निकल आएंगे। या अब इधर देखे ना, इधर आओ, वो भी मैंने नकली अंडे रखे हुए हैं, वो नजर आ रहे हैं, ये एक वो अंडा पड़ा हुआ है, एक वो अंडा पड़ा हुआ है, ये एक ये और एक ये। नकली अंडे इसलिए रखे हुए हैं कि नकली अंडों से होता है कि मुर्गी इससे देख के ना कुड़ुक मार लेती है, उसके ऊपर बैठेगी कुड़ुक मिलेगी तो हम उसको आगे चलाएंगे, कुड़ुक मार लेती तो फिर वैसे ही आगे चला लेंगे। अंडे हमारे पास काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, असील के अंडे बेहतरीन किस्म के, वो इंशाल्लाह आगे चलाएंगे। और ये मेरी चीनी मादी, बड़ी प्यारी मादी है, माशाल्लाह बहुत प्यारी नस्ल है, और इसके भी बच्चे अंडे पड़े, इसी के अंडे रखेंगे साथ, ये भी आगे चलेगी। चलो अब ये है कि अभी इन्होंने खा पी लिया सब ने, इनको मंदन करते हैं। ये हमारा घोड़ा है सील, माशाल्लाह, इनको भी हमजा अंदर करो यार, इनको सबको अंदर करके इनको फिर खिला देंगे। इधर नहीं करना, वो इनके खोडे में करो, जाने दो इनको खोडे में। चलो चलो चलो, कोई चीज़ लिया उससे इनको अंदर कर दो, ये खुद ही अपनी अपनी जगह पे चले जाएंगे ऑटोमेटिकली ना। अच्छा इन्होंने खाना है, आपने बड़े मुर्गों को अंदर, वो उसको अंदर करो, वो चीनी मादी है, ये पड़ी है खड़ी है, इसको अंदर करो, वो वाइट वाले को अंदर कर दो, वो जो ब्लैक खड़ी है उसको अंदर कर दो, ये खुद ही अंदर चल जाएंगे। चलो चलो चलो, शाबाश, ये मुर्गियों को भी अंदर कर देंगे हम। ये हमजा भी अंदर कर रहे हैं इसको, उसको हाँ ठीक है, दोनों इधर कौन कौन सी हैं चेक कराओ। ये दो मुर्गियां मैं इकट्ठी रखता हूँ, ये तितरी रंग की और ब्लैक रंग की, ठीक है, और इसके साथ का वाइट मुर्गा, ये खुद ही चल जाएगा, आगे ले आओ। ये देखिए, इनको पता है इन्होंने किधर किधर जाना है, ये खुद ही अपनी अपनी जगहों पे चले जाते हैं। और अभी हम इसको बंद कर देंगे ऐसे करके, तो बंद करके हमजा लॉक कर दो, आगे से कुंडी चढ़ा दो। वो चूज़े को ले आओ, ये मुर्गे को बाहर निकालना पड़ेगा, वो चूज़े को ले आओ इधर, एक मिनट, ये अकेला है बेचारा और सर्वाइव कर रहा है अभी तक और करता भी रहेगा आगे। असल में देखे ना, चारे का पर नहीं है, इसे ऊपर छलांग नहीं लगानी होती, पकड़ लो हमजा इसको, ये चलेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उधर चलेगा, खैर है। अब वो उसको पकड़ो, मुर्गी को इसको भी अंदर कर दो, अंदर करो, अंदर खा लेंगे जाके। चलो 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 चलो, शाबाश, चलो जल्दी करो जल्दी करो, अंदर जाओ, ओ इधर नहीं जाना, गुड गुड गर्ल। देखें इनको मैंने अंदर भी डाला है, ये इनका घर बना हुआ है, बैठने की जगह इनकी, ये ऊपर मैंने ये डंडा लगाया हुआ है, इसके ऊपर आके बैठ जाते हैं, और इसको मैं बिल्कुल बंद कर देता हूँ, रात के टाइम अंदर ठंड जाने का कोई सीन नहीं है। ये अभी एक दफ़ा रच के खा लेंगे, फिर यहाँ से मैं उठा लूँगा। जी जी, हमने अभी बंद कर दिए हैं मुर्गे, इधर मैंने ये शजरा मुर्गा और स्लेटी मुर्गी साथ रखी, कम्बिनेशन मैंने खुद ही बनाया अपनी मर्ज़ी से, ताकि जो है ना ब्रीड अच्छी निकले, एक जब आएंगे उनकी। ये देखें जी, ये कैसे आराम से फ़ौरन से बैठ गए,
अब कॉम्बिनेशन चेक करें मैंने जो बनाया, कितना मजे का कॉम्बिनेशन है, ब्लैक वाइट और तितरी। कर दो जी, देख सकते हैं वो मुर्गी अब तक खा रही हैं। ये बेसिकली एग प्रोडक्शन के लिए मैंने रखी हुई हैं। इसको गोल्डन मिश्री भी कहते हैं और हमारी ज़बान में इसको देसी भी कहते हैं। ये चेक करें, बड़े शौक से खा रही हैं, पानी भी साथ साथ पी रही हैं, क्योंकि अभी इन्होंने पानी पीना है, खाना खाना है और इसके बाद ये सुबह 10 से 11 बजे इनको ओपन करेंगे जब धूप निकलेगी। यहाँ पर काफ़ी सर्दी होती है जिसकी वजह से इनको बिल्कुल बंद रखता हूँ, मैंने सब बंद कर दी। हमजा यार वो जो है ना वो दरवाज़ा खुला है, उसको बंद कर दो जाके। आगे इसको कर दो, ये थोड़ा सा आगे रख के ना ऐसे दरवाजे के ऊपर लटका के फिर बंद करना, ऐसे बंद कर। ये आगे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये बहुत ही प्यारी स्पेशल ब्रीड है और इसकी मैं केयर भी बहुत ज़्यादा करता हूँ, सबसे ज़्यादा इनकी केयर करता हूँ, तो जिसकी वजह से ये इनकी सेहत भी अच्छी है। और ये देखें ये भी खा रही है अभी तक, जो जो भर रही है खाना खाती जा रही है, वो अपनी जगह पर आराम से जा रही है। ठीक है, ये देखें जी ये अपनी जगह पर चलेगी। इनका मैंने ये बैठने की जगह बनाई हुई है, एग्स मैंने इनके सुबह उठा लिए थे और अभी मैंने चेक नहीं किया, मैं रात को दोबारा आता हूँ एक दफ़ा फिर दोबारा चेक करता हूँ। चलो हम इनको भी अंदर कर दो, अंदर कर दो, बस इन्होंने खा लिया, ज़्यादा ओवर डाइट हो जाएगी। अच्छा ये भी होता है, ज़्यादा खा लिया तो उल्टी भी कर देती हैं, इसलिए इनको बस तरीके से खिला के और बंद कर देता हूँ। गेट बंद कर दें, ठीक है वो उधर ही रहेगा। हैं कौन से वाला, ये इधर ही रहता है अभी, इसकी शिफ्टिंग कर दी है मैंने, घर चेंज कर दिया है। हमजा मुझे कह रहा था कि ये मुर्गा जो है ना ये इधर आ गया है, लेकिन मैंने कहा देसी मुर्गा है, देसी मुर्गे के साथ रहे तो अच्छी बात है, सील में इसका कोई काम नहीं। हमजा इसको भी नीचे कर दो, ये देखें जी ये अभी इसको फोल्ड करके रख देंगे, ये ऐसे रख दिया, बस ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसका अभी पानी गिरा देंगे थोड़ी देर में, क्योंकि जानवर भी आते हैं वो भी रात को पानी आके पीते हैं या दिन में भी शाम में पी लेंगे वो, तो थोड़ा सा पानी से रखा, खुराक इसलिए नहीं उठा रहा कि वो पानी पियेंगे तो शाम के टाइम जब थोड़ा सा अंधेरा होगा फिर उसको। हमजा इसको भी नीचे कर दो शीट को, ये जी शीट को भी नीचे कर रहे हैं, फुल पैक वाला सिस्टम किया हुआ है ताकि सर्दी किसी तरीके से जाए ना, एयर टाइट नहीं है, ऊपर से हल्की हल्की हमने दिया। ये हमने जगह छोड़ी हुई है काफ़ी सारी कि यहाँ से वेंट जाती रहे, इसको पैनाफ्लेक्स को भी नीचे कर दें। चलो जी इसको भी नीचे कर दो यार, अब ये जगह देखें इनकी बनाई हुई है, सुबह आके फिर खोल देंगे फिर इसी तरह सेटिंग कर लेंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ सुबह इंशाल्लाह, और उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, हमारी पहली वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो बेल आइकन को दबाएँ और दूसरों तक शेयर करें और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा वीडियो कैसी और हमारा सेटअप कैसा। थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह।